उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थ यात्रा के दौरान बस पर हुए आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोगों के घायल होने की जानकारी मिलने के बाद मंगलवार को राष्ट्रीय बजरंग दल ने जिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि मृतकों को 50 लाख व घायलों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। आपको बताते चले, सरकार आतंकवाद को रोकने के लिए कड़े बंदोबस्त करे व आतंकवाद का सफाया करे, जिससे धार्मिक यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा हो सके। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष अमित कुमार गंगवार, गौरव बीरपाल, रवि अनुज, राहुल, मीनू, कैलाश, मंजीत, हरीश, विजय, रोहित आदि लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? रोहित गंगवार। क्या मांगे आज आपके? हमारी मांग ये है, जो जम्मू कश्मीर में अभी घटना हुई है, जो आतंकवादी हमला हुआ है बस पे, जिसमें 10 यात्री हमारे खत्म हो चुके हैं, मृत्यु हो गई उनकी मौके पर ही, और बाकी 32 अभी घायल हैं। तो हमारी मांग ये है, जो 10 घायल हुए हैं वो खत्म हुए हैं, उनको जल्द से जल्द 50 लाख का मुआवजा उनके परिवार वालों को कराया जाए। बाकी जो 32 हैं उन लोगों को 10-10 लाख का मुआवजा कराया जाए। बाकी जो आतंकवाद फैल रहा है इसको रोकने के लिए मैं राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन करूंगा और केंद्र सरकार से भी कहना चाहूंगा कि एक बार वो अपना ऐसा उठा के देखे, कहीं का भी इतिहास उठा के देखे, जहाँ पे आतंकवाद चल रहा है वहाँ पे वो बढ़ता जा रहा है, कम कहीं पे नहीं हो रहा है। उसको कम करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पे मांग उठाने आए हैं और हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ते रहेंगे।